अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने अमन निजवी। हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं, हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं। माना के खराशे हैं, चेहरा तो हमारा है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को जेनोसाइड करने की जो एक तैयारी है, और जिस तरह मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके मारा जा रहा है, हिजाब को टारगेट करा जा रहा है, कभी मस्जिद को टारगेट करा जा रहा है, कभी मुसलमानों के बड़े बड़े रहनुमाओं को मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जैसे को जेल की जीनत बनाया जा रहा है, उसके बावजूद भी ये लोग रुकने को तैयार नहीं। और अफसोस की बात यह कि इन तमाम आतंकवादी गतिविधियों में जो लिप्त है वो यहाँ की रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी लिप्त है। और जिस तरह आपने देखा अभी कुछ दिन पहले बीजेपी की प्रवक्ता एक जंगली बिल्ली जिस पे देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए था, नुपुर शर्मा ने किस तरह स्ट्रीम चैनल पर आकर रसूल पाक को गाली दी। सवाल तो खैर आप लोगों को यह भी करना चाहिए और एफआईआर आपको करनी चाहिए। टाइम्स नाव पे आपको एफआईआर करनी चाहिए क्योंकि टाइम्स नाव के ऊपर ही बैठकर उसने ये खुराफात फौंकी थी। जाहिर सी बात है कोई चैनल अगर अपने ऊपर इस तरह का कोऑर्डिनेट करके कोई प्रोग्राम चलवा रहा है तो चैनल भी उतना ही जिम्मेदार है जितना वो जंगली बिल्ली जिम्मेदार थी। और जिस तरह भारत में लगातार एफआईआर हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जैसे ही सऊदी अरब, ओमान, कतर, ईरान, कुवैत इन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी चीज़ों का बहिष्कार करते हैं, वैसे ही मोदी जी बिल से निकल कर आए। आपको पता है मोदी जी क्यों बिल से निकल कर आए? नहीं पता? अरे सऊदी अरब में, पूरे गल्फ में, पूरे इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट सप्लाई हो रहे हैं, जो कंपनी सप्लाई करती है, आपको नहीं मालूम किसकी है? अरे मोदी जी के दो यार, अंबानी और अदानी, उनके। अरे बेवकूफो, इसलिए मोदी जी फड़फड़ाए और मोदी जी ने कहा नहीं नहीं, ये दोनों जो थे ना ये सही लोग नहीं थे, ना नुपुर सही थी ना दूसरा वाला सही था, इसलिए हम इनको पार्टी से बाहर कर दे। नहीं तो आप इस खुशफहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि मोदी जी को रियलाइज हुआ कि नुपुर ने रसूल पाक की शान में जो गुस्ताखी करी वो गलत करी। अरे इनके कहने पे ही चल रहा है सारा ड्रामा। लेकिन इनके भाई अदानी, इनके भाई अंबानी को जो नुकसान हो रहा था और आका की तरफ से जो लठ पिला, चल बे इन दोनों को बाहर कर, तो आका के लठ की ताब ना लाकर आनन फानन इन दोनों को हटा दिया गया। क्या पता सऊदी अरब कब तक चेक कर रहा है, हो सकता है 6 महीने बाद नुपुर शर्मा फिर पार्टी के अंदर हो। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। कमाल तो जब होता जब इन लोगों पर एफआईआर होने के बावजूद इन लोगों को उठाकर जेल में डाला जाता, इनकी प्रॉपर्टी पर भी बुलडोजर चलाया जाता जैसे तमाम मुसलमानों पर चलाया जाता है, जैसे कानपुर में जिन मुसलमानों ने कहा कि हमारे रसूल पाक के खिलाफ ये वाला काम गलत करा गया, तो वहां की पुलिस ने क्या करा? पहले उन लोगों को तोड़ा, उन पे लठ पेरा, छोटे छोटे बच्चों को डंडों से मारा, छोटे छोटे बच्चों को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं पुलिस वाले, और फिर उन्हीं मुस्लिम नौजवान पर एफआईआर ठोक दी। यही इनका जो है गुस्सा और मुसलमानों के प्रति नफरत नहीं थमी जनाब। उसके बाद इन्होंने पता है क्या करा? इसके बाद इन्होंने एक अल्टीमेटम दिया कि जितने भी मुसलमानों की प्रॉपर्टी जो दंगाई है इनके बकौल, यानी वो मुसलमान जो गयूर मुसलमान जिनकी गैरत जागी थी, जो सड़कों पर उतर कर आए थे, जो अपनी मार्केट बंद कर रहे थे जुमे के बाद, कि अगर आप हमारे रसूल पाक को गाली देंगे तो हम दुकान बंद करेंगे, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी जा रही है कि जी उनके घर पर जेसीबी चलेगी, उनके घर पर बुलडोजर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? नथिंग, जीरो। सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। आप खुद बताइए, जब कहीं पुलिस वाले ही खुद कार्रवाई करे दे रहे हैं, नेता अभिनेता खुद ही कार्रवाई करे दे रहे हैं, किसी भी मुसलमान के घर बुलडोजर चला देते हैं। अब बुलडोजर की आग इतनी आ गई कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी फैमिली जो कह रही है हम खानदानी संगी थे, हमने मोदी को वोट दिया, हमने योगी को वोट दिया, उनके घरों पर भी बुलडोजर चला और वो मुंह भर भर के अब मोदी और योगी को गाली दे रहे हैं। खैर ये तो रही दूसरी बात, कभी इस पर बाद में बात करेंगे। अब जिस तरह नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर करा गया, तो सवाल ये बनता है कि आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए कि नुपुर शर्मा की तमाम प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए? भाई बुलडोजर का इन्वेंशन किसने करा? इन्होंने करा। इन्होंने कहा जो भी समाज के खिलाफ काम करेगा, जो भी देश हित में काम नहीं करेगा, उस पर बुलडोजर चलेगा। और मोदी जी आप तो खुद कह रहे हैं कि ये लोग जो थे आतंकी सोच के थे, ये सही लोग नहीं थे। तो अगर ये वाकई सही लोग नहीं थे जिनको
आपने पार्टी से लात मार कर निकाला, क्या इन पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? क्या इनकी प्रॉपर्टी को जब्त करके उन लोगों को नहीं देना चाहिए जिनकी कानपुर में प्रॉपर्टी आप जब्त कर रहे हैं, जिन पे आप FIR कर रहे हैं? लेकिन ये देखिए कि एक औरत की वजह से, एक संगी औरत की वजह से, एक दलाल औरत की वजह से पूरी दुनिया में नाम किसका खराब हुआ? भारत का नाम खराब हुआ। जनाब ये मामला यही नहीं रुका, अब आप ही देखिए हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कतर जाते हैं, कतर जाके वहाँ पर उनकी कोई कॉन्फ्रेंस होती होगी, लेकिन कतर और दोहा में उनका जो डिनर था, बिना डिनर करे उनको लौटा दिया जाता है कि नहीं हम आपको डिनर नहीं करा सकते। ये बेइज्जती किसकी है? अगर भारत के वाइस प्रेसिडेंट वहाँ जाते हैं, उनको खाना तक नहीं पूछा जाता जबकि खाना मेंशन था कि वो खाना खाते, और बाद में जो है ये उनको भारत में बेरंग लौटा दिया जाता है। तो ये तमाम की तमाम हमारे भारत की बेइज्जती है, और बेइज्जतियाँ इतनी लग रही हैं उसके बावजूद ये रूलिंग पार्टी सुधरने को तैयार नहीं है, इन पर कोई कार्रवाई होने को तैयार नहीं है। और मैं लगातार आपको ये समझाती चली आ रही हूँ, बस एक महीने के लिए मोदी जी स्ट्रीम चैनल को बंद कर दो, तमाम जितने भी स्ट्रीम चैनल हैं इन पे ताला मार दो। खुदा की कसम एक महीने में भारत भारत जैसा दिखेगा, यहाँ पर इंसान बन जाएंगे। जितने नरभक्षी आपने तैयार करें, जितने नरभक्षी आपकी पार्टी की वजह से तैयार हुए, जितने नरभक्षी ये जितने नागपुर में नाजायज औलादें तैयार करें, जितने भगवा आतंकवादी आपने तैयार करें, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप तो डिजिटल पे ही चलते हैं। और आप अगर मुल्लाओं को अपने अंदर शामिल ना करें कैसे कर देंगे? अगर मोदी जी ये कहें कि नहीं भाई हम तमाम आतंकियों पर जो हमारी पार्टी के अंदर उन पर कार्रवाई करेंगे, बीजेपी का अस्तित्व ही खत्म, क्योंकि बीजेपी नाम ही उस पार्टी का है जो मुसलमानों के विरोधी है, जो इस्लाम के विरोधी है, जो हिजाब के विरोधी है, जो अमन अमान के विरोधी है, जो संविधान के विरोधी है, जो भारत के विरोधी है। इस पार्टी का नाम ही है हर वो काम करेगी जो भारत के हित में नहीं होगा, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। खैर अभी ये मुद्दा शांत नहीं हुआ था, आपको मालूम होगा एक नफरती गेंडा और है। अरे हाँ वही भगवा गेंडा, बिल्कुल सही पहचाना, नरसीमा स्वरानंद गाजियाबाद का है, आपको पता डासना का है। ये कब पॉपुलर हुआ था? जब इस कमीन ने एक 12 साल के बच्चे को उस वक्त मॉब लिंचिंग करके मारने की कोशिश करी थी जब वो मंदिर में पानी पीने गया था। 12 साल का बच्चा नहीं समझे, अरे 12 साल का मुल्लाओं का बच्चा, आप समझ में आया होगा, 12 साल का मुस्लिम समाज का एक बच्चा प्यासा मंदिर में जाता और नरसिम्हा स्वरानंद का खुराफाती दिमाग काम करता है। इससे अच्छा मौका नहीं है पब्लिसिटी का, इस बच्चे को जान से मार देता हूँ, मॉब लिंचिंग करता हूँ, और फिर मैं हाईलाइट हो जाऊंगा अपने समाज में, कहूंगा देखो भगवा गेंडा हाईलाइट है, देखो मुल्लों का एक वंश को मैंने मार दिया, मुल्लों का वंश मिटा रहा हूं। लेकिन जिसको रखे साइयां मार सके ना कोई, वो बच्चा बच जाता है, वो बच्चा सारी बात बता देता है। यहां से भगवा गेंडा जो लाइम लाइट में आता है और उसके बाद अनाप शनाप भौंकना शुरू करता है। आपको याद होगा एक वसीम रिजवी हुआ करता था, एक नफरती चिंटू, वो भी जब तक वो वसीम रिजवी था तब तक वो हिफाजत में रहा, मुसलमानों के साथ रहा, तो जेल की हवा नहीं खाई। लेकिन उसके बावजूद वो सोचता है नहीं भाई, मैं जब इतना नफरती बन गया, मैंने खुद कहा जा हमारा नाम लौटा, जा दफा हो जा उसी समाज में जिस समाज के तू चाटुकारिता कर रहा है। तो वसीम रिजवी ने फाइनली हिंदू मजहब अपना लिया, और जो चित्पावन ब्राह्मण जैसा सैयद था, हमारे यहाँ सादात की जो वैल्यू है वो ऐसी ही वैल्यू है जैसे नॉन मुस्लिम समाज में चित्पावन ब्राह्मण के, वहाँ इसको त्यागी श्यागी बना दिया जाता है। और जैसे ही ये त्यागी बनता है 4 महीने की जेल हो जाती है जनाब, और जेल करवाने की वजह कौन होता है? ये भगवा गेंडा नरसिम्हा स्वरानंद, इसकी वजह से जेल चला जाता है। अब नरसिम्हा स्वरानंद अपना खुराफाती दिमाग लगाता है, आतंकी सोच का एक गेंडा सोचता है, अरे वो ये त्यागी तो जेल में चला गया, अब मैं किस तरह इस त्यागी को कैश कराऊं? ये नरसिम्हा स्वरानंद जो है एक पूरा फंड तैयार करता है, फंड रेजिंग करता है, भीख जमा करता है, मुझे भीख दो, मुझे भीख दो, मुझे भीख दो, क्योंकि मैं इसको बाहर निकालूंगा, यानी त्यागी को बाहर निकालूंगा। लेकिन त्यागी के लिए फूटी कौड़ी खर्च नहीं करता, लाखों डकार जाता है, त्यागी को एक सही सा वकील भी नहीं दे पाता। अब त्यागी उर्फ वसीम रिजवी जेल से बाहर आता है और इसके मुंह पर पिशाब कर चला जाता है, यानी नरसिम्हा की तरफ देखता तक नहीं।
अब नरसिम्हा स्वरानंद को लगता है कि मेरा तो नाम खराब हो जाएगा, ये आता है और कहता है आज के बाद मैं तमाम एक्टिविटी छोड़कर बस गीता का पाठ करूंगा। लेकिन आपको तो पता ही जितने भगवा गेंडे हैं ये थूक के चाटते हैं, मूत के पीते हैं, तो इसने भी मूत के दोबारा पिया, थूक के फौरन चाटा। अब इसने देखा नुपुर शर्मा मेरे से ज़्यादा पॉपुलर हो गई, मैंने इस्लाम के खिलाफ इतनी मुहिम चलाई, मुल्लों को इतनी गालियाँ दी, मस्जिद को इतनी गालियाँ दी, हिजाब को इतनी गालियाँ दी, लेकिन मेरी पॉपुलरिटी जो है उससे आधी रह गई। ये फिर अपना मूत के पीने आ गया और थूक के चाटने आ गया। इसने फिर आज एक स्टेटमेंट दिया और रसूल पाक को नुपुर ने तो कुछ कुछ कहा होगा, इसने तो सब कुछ कह डाला और बकवास कर रहा है। इंशाल्लाह तू फिक्र मत कर नरसिम्हा स्वरानंद, तू अगर मुझे भी मिल गया खुदा की कसम पैदा उस रब की जिसने मुझे पैदा करा है, मैं अकेली ही तुझे काफ़ी हूँ, तेरी गुद्दी पे से जबान पकड़ के निकालूंगी, तेरी हथेली पे रख कर दूंगी, एक बार तू मुझे मिल तो सही, अकेले में मिल, मैं अकेली ही तेरे लिए काफ़ी हूँ। हम 313 वाले हैं, हम 33 करोड़ वाले नहीं हैं, हमने कभी तुम्हारे धर्म को बुरा नहीं कहा, एक भी मुसलमान समाज का आदमी ऐसा नहीं है जिसने चैनल पर या स्ट्रीम चैनल पर या सोशल मीडिया पर तुम्हारे धर्म को गाली दी हो, मंदिर को गाली दी हो, लेकिन तुम लगातार मुल्लाओं के ऊपर ही पॉलिटिक्स करो। तुम्हें पता है तुम्हें कोई पूछता नहीं है, तुम्हारी शक्लों पे कोई मूतता नहीं है, तुम्हें अपने आप को पॉपुलर करने के लिए भी इस्लाम का सहारा चाहिए, तुम्हें मैसेंजर ऑफ इस्लाम, कलाम पाक, हिजाब, मुसलमान, बस यही करना आता है ना। तो जिस तरह सऊदी अरब ने तुम्हारे प्रोडक्ट का बायकॉट करा है, उस तरह तुम्हें सबको छठी का दूध याद आ गया। सऊदी अरब ने तमाम प्रोडक्ट जो है वो कफना दिए हैं, तमाम प्रोडक्ट पर कफन डाल दिए हैं, वाइट कर डाल दिया है, और वो तमाम प्रोडक्ट अदानी और अंबानी के थे, इसलिए इनकी चीखें निकली पड़ी हैं। लेकिन नरसिम्हा स्वरानंद तू भी वायरल हो चुका, तेरी वीडियो भी वायरल हो रही है, मुझे लगता है इस बार तू नहीं बचेगा। इस बार तूने जो गलती करी है, तूने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकी, या यूँ कह दो तेरी जो गोबर की चिता बनेगी उसमें तूने खुद ही मुख अग्नि दे दिए। इस बार तुझे हमारा समाज नहीं छोड़ेगा, और मैं अपने समाज से यह हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आगे आइए, लेकिन पीसफुली तरीके से, एकदम से सड़कों पर मत उतरिए, बाकायदा मेमोरेंडम बनाइए SDM को, DM को, SHO को, और सीधे सऊदी अरब को ख़त लिखिए, तमाम पोर्टल पर जाकर लिखिए, इंटरनेशनल पोर्टल पर जाकर लिखिए, और दिखाइए कि भारत में इस्लाम के खिलाफ जो षडयंत्र रचा जा रहा है, मुसलमान के खिलाफ जो षडयंत्र रचा जा रहा है।